ये है R15M और ये है R15 नॉर्मल, मतलब V4 बोल सकते हो। देखने में बिल्कुल R1M की तरह लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे भाई मिनी R1M आपके सामने खड़ी है। मतलब जब मैंने पहली बार इसको भी देखा था ना तो थोड़ी देर तक तो भाई मैं देखते ही रहा इस बाइक को कि यार वाकई मतलब यहाँ माने चीज़ बना दी एक नंबर, जिसे कहते हैं ना यार। सबसे पहले मैं बताऊँगा इस बाइक के बारे में आपको, उसके बाद बताऊँगा इस वाली बाइक के बारे में। तो भाई ये है R15M जो अभी लेटेस्ट यामा ने लॉन्च की है। इन दोनों बाइकों में मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा, डिफरेंस मतलब मेंशन करूंगा कि दोनों बाइकों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और इस वीडियो में कुछ एक्सेसरीज के बारे में बताऊंगा जो यामा अपनी तरफ से इन बाइकों के लिए प्रोवाइड करवा रही है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नॉट्स राइडर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन वही है 155cc का लिक्विड कूल SOSC इंजन 6 गियर के साथ। इंजन की हल्की फुल्की पावर कम करी है, मतलब इतना फ़र्क आपको लगेगा नहीं कि भाई इंजन की पावर कम की है तो बाइक को चलाने में मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत माइनर सा फ़र्क है इंजन के अंदर, बट इस मॉडल के अंदर आता है भाई क्विक शिफ्टर। ये देख लो आप क्विक शिफ्टर 150cc की, आई थिंक ये पहली बाइक है जिसके अंदर कंपनी ने क्विक शिफ्टर दिया है। और भाई इस बाइक के बारे में एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो बाइक है ये सेम वही मॉडल है जो थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान में चलता है। मतलब के इंडिया में थोड़ा सा चेंजेस करके भेजते हैं यामा वाले, लेकिन इस बाइक के अंदर उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया, कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे आपको उस मॉडल में और इस मॉडल में। एग्जाम्पल के तौर पर पहली जो V3 आती थी उसके अंदर वो पाइप वाले ये रियर फुटरेस्ट आते थे, लेकिन अभी क्या है जैसे इंटरनेशनल मॉडल के अंदर है वही सेम इसी के अंदर इन्होंने दे दिया है। और भाई टैंक की फिट एंड फिनिश देख लो, यहाँ कैप पे आपको R15M लिखा हुआ मिल जाएगा। ऑन ऑफ स्विच थोड़ा सा अलग तरीके से कर दिया है, थ्रॉटल ट्यूब वही है R3 वाली थ्रॉटल ट्यूब है। और ये हैंडल बार जो है ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा R3 से मिलता जुलता है, जो नई वाली R3 है ना उसके जैसा है। और क्लिप ऑन बार इस बार नीचे दे दिए, पहले वाला जो मॉडल था उसमें ऊपर आते थे ये। सो गाइस फ्रंट में आप देख सकते हो DRLs और प्रोजेक्टर R1 R7 के लुक्स में बिल्कुल निकाला है। सामने USD4K डुअल चैनल ABS है। रियर की बात करूँ तो ये फ्रेम देख रहे हो आप थोड़ा सा वाइड है, V3 वाले मॉडल से थोड़ा सा वाइड कर दिया इसको, थोड़ा चौड़ा कर दिया एरोडायनामिक में इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए। और रियर में आपको वही LED तो मिलेगा नहीं, LED हालांकि आते हैं LED इंडिकेटर, बट यहाँ मैंने इसमें भी अपने बल्ब वाले इंडिकेटर दिए, सेम R3 वाले हैं ये भी। मतलब क्वालिटी मुझे लग रहा है कि भाई बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हो कि इंटरनेशनल क्वालिटी है, सेम वही क्वालिटी जो बाहर चलती है। डेल्टा बॉक्स वही है। टायर की बात करो तो गाइस टायर साइज सेम है, रियर वाला वही है 140/70/17 और आगे वाला भी सेम साइज़ ही है, टायर में कोई चेंजेस नहीं किया और MRF के टायर दिए हुए हैं। अब चलते हैं कंसोल पे। कंसोल पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये देख रहे हो आप R1M का लोगो, ये मैं आ गया, ये इसका कंसोल है। कंसोल भी बिल्कुल R1M की तरह ही है देखने में, बिल्कुल R1M मिनी कहना इसको गलत नहीं होगा। यहाँ पर ये न्यूट्रल और यहाँ पर राइडिंग मोड भी है शायद, स्ट्रीट है या कुछ भी है ये मुझे पता नहीं है बहरहाल इसके बारे में, कि हो सकता है राइडिंग मोड भी हो, बट जो इन्फॉर्मेशन होती है नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, टाइम, RPM, गियर शिफ्ट, माइलेज, एवरेज, फ्यूल। इधर आपको ABS की लाइट मिल जाएगी, ये TCS ट्रैक्शन कंट्रोल, ECM न्यूट्रल इंडिकेटर, और भाई ये मैसेजेस, नोटिफिकेशंस, कॉलिंग के लिए, टेम्परेचर के लिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो गाइस एक चीज़ और है जो इसमें आपको मिल जाएगी, वो मिल जाएगी पार्किंग हिस्ट्री, मतलब कि कहाँ लास्ट टाइम बाइक हमने पार्क की थी, और एक राइडिंग रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा। ये क्या चीज़ है, स्ट्रीट मोड है इसमें? हाँ, इसमें दो तीन मोड है, मैंने वैसे ये मेंशन कर दिया लेकिन मैं श्योर नहीं था तो इसलिए मैंने बोला कि मैं श्योर नहीं हूँ, मोड है इसके अंदर। सो गाइस अगर बाइक की सीट हाइट की बात की जाए तो सीट हाइट वही है 815mm, मतलब जो पहले वर्जन 3 के अंदर आती थी, बट पहले वाली से काफ़ी बेटर क्वालिटी है यार, और थोड़ी सॉफ्ट भी है सीट। थोड़ा सा बाइक पर बैठ के देख लेते हैं क्योंकि अभी डेमो नहीं आया तो राइडिंग कर नहीं पाएंगे बाइक को। राइडिंग पोस्चर में अगर मैं बताऊँ आपको, राइडिंग पोस्चर वही है R15 वर्जन 3 वाला, बट इसमें ऐसा फील हो रहा है कि यार किसी बिग बाइक पे बैठ गए अपन। मतलब बिग बाइक वाली फील आ रही है। सो गाइज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ R15M के बारे में,
इसमें जो स्विंगम आता है वो सिल्वर कलर का आता है, मतलब यहाँ हमारे सिल्वर कलर का स्विंगम दिया है, और जो ये नॉर्मल बाई R15 है इसमें आता है आपका ब्लैक कलर का। मतलब इसके अंदर किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो 150cc सेगमेंट की जितनी भी बाइक है, मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा फीचर आपको किसी दूसरी बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि भाई इस बाइक के अंदर एक छोटी मोटी कमी थी, USD फोर्क नहीं थे। बस लोगों को लगता था कि यार USD फोर्क नहीं है बाइक के अंदर, USD फोर्क देने चाहिए। USD फोर्क तो दिए USD फोर्क भी दिए KYB के, और उसके साथ में दे दिया क्विक शिफ्टर 150cc के अंदर क्विक शिफ्टर। सामने से आप लुक्स देख लो, ADRL है, LED प्रोजेक्टर बीच में बाइक के, R3 वाले इंडिकेटर है। सो गाइस ये तो थी बाइक के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। अब इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस कितना आया है इंडिया में। सो गाइस इसका जो प्राइस है दिल्ली के अंदर ऑन रोड 2,08,000 रुपये के आसपास प्राइस है। और बाकी आप, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अंकित भाई से हमारे, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे इसके बारे में। इसके अलावा यहाँ ने इस बाइक के लिए कुछ एडिशनल एक्सेसरीज भी मतलब लॉन्च किए, जो कि आप किसी भी डीलरशिप से परचेस कर सकते हो। बता देता हूँ क्या क्या है। देखो, एक तो आपको मिल जाएगा ये नीचे जो इंजन ओपन है ना, इसके नीचे एक गार्ड आता है। कंपनी ने एक वो लॉन्च किया है कि आप भाई इंजन के नीचे गार्ड लगा के पूरी प्रोटेक्शन दे सकते हो इंजन को, ठीक है। दूसरा, ये लीवर देख रहे हो आप, ये नॉर्मल लीवर है, इसमें आप एडजस्टेबल लीवर भी लगा सकते हो। बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो अवेलेबल नहीं है बट आने वाले हैं, तो हो सकता है मेरी R3 के अंदर भी वो लग जाए। एक यहाँ टैंक पैड आएगा छोटा सा, और एक रियर का सीट कवर। ये चार पांच चीज़ें, मतलब चार पांच एक्सेसरीज लॉन्च किए यामा ने, और प्राइस भी बहुत अच्छा है भाई। मैंने एडजस्टेबल लीवर के बारे में अंकित भाई से कंफर्म किया, तो उन्होंने वही मुझे 1700-1800 रुपये के आसपास का प्राइस दिया। मतलब 1700-1800 रुपये में जेन्युइन एक्सेसरीज, सोचने वाली बात है यार, 1700-1800 रुपये में जेन्युइन एक्सेसरीज आपको मिल जाएगी यामा से ही। और भाई पता ही आपको यामा की बिल्ड क्वालिटी कैसी होती है। बाइक जब डेमो के लिए अवेलेबल होगी तब इसे चला के देखेंगे अपन, और बताएंगे कि भाई बाइक कैसी है। अभी फ़िलहाल मैं आपको इंजन की साउंड सुना देता हूँ, एग्जॉस्ट की साउंड सुना देता हूँ। ये लगाया मैंने इग्निशन, ये आगे पूरी इन्फॉर्मेशन। ओहो स्मूथ। अरे यार मज़ा आ गया एक बार और। ये स्टार्ट, और ये वाह यार, मतलब इस तरीके से इंजन स्टार्ट हुआ कि एकदम स्मूथली इंजन स्टार्ट हो गया, पता ही नहीं लगा इंजन कब में, मतलब ऐसा लग रहा है कब में स्टार्ट हो गया। एक नंबर यार क्वालिटी। सो गाइस R15 M के कलर के बारे में आपको बता दूं, इसमें दो कलर आते हैं फिलहाल, एक आता है मॉन्स्टर एडिशन और एक आता है ये सिल्वर। दो कलर इसमें आपको मिल जाएंगे। बाकी R15 वर्जन 4 में आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा, एक रेड कलर मिल जाएगा, और एक मिल जाएगा ब्लू। अभी फ़िलहाल इसमें एक मॉन्स्टर एडिशन आता है, और एक वो जो मैंने आपको अभी दिखाया सिल्वर वो आता है। R15 M के अंदर दो ही कलर हैं, एक ये और एक आपका सिल्वर, इसको बोलते हैं मॉन्स्टर एडिशन और वो है सिल्वर। बाकी R15 वर्जन 4 के अंदर 3-4 कलर आते हैं, ब्लू आता है, ब्लैक आता है और रेड आता है। रेड भी यार बड़ा सही लग रहा है, इसमें तो सीधा सीधा लिखा हुआ है वर्जन 4। सो गाइस ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन R15 M के बारे में। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।